गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस समरी ऑफ चैप्टर 8 फ्रॉम आवर बुक हॉर्नबिल। चैप्टर 8 इज सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडलटन। लेट्स टेक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन फर्स्ट। द स्टोरी इज रिटन बाय निक मिडलटन। जो सिल्क रोड चैप्टर की स्टोरी है वो लिखी गई है निक मिडलटन के द्वारा। दिस चैप्टर इज अबाउट द नरेटर्स जर्नी From slopes of Rao to Mount Kailash to complete the Kora। ये chapter है narrator की यात्रा के बारे में, means एक piece है travelogue का, यात्रा वृतांत का part है, जो कि कहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई, जो slopes हैं, जो ढलान है Rao के, वहाँ से Mount Kailash की, किस लिए? To complete the Kora, Kora को complete करने के लिए। Kora क्या है? एक धार्मिक चक्कर लगाना कह सकते हैं हम, परिक्रमा करना, परिक्रमण। टू बिड हिम फेयरवेल लामो गेव हिम ए लॉन्ग स्लीव शिपस्किन कोट। उसे अलविदा कहने के लिए लामो ने उसे दिया एक पूरी बाजू वाला, लंबी स्लीव वाला, भेड़ की स्किन से बना हुआ, भेड़ की खाल से बना हुआ कोट। ही हायर्ड शैतान्स कार फॉर हिज जर्नी। उसने किराए पर ली शैतान की कार को इस यात्रा के लिए। किसने किराए पर लिया है? निक मिडलटन ने, नरेटर ने। एंड टुक डेनियल अलोंग टू एस्कोर्ट हिम टू डार्जन। और उसने अपने साथ डेनियल को लिया ताकि वह उसको हेल्प कर सके डार्जन तक पहुंचने के लिए। ये तो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। नाउ लेट्स डिस्कस द समरी इन डिटेल। बेटा एक बार मैप में देखते हैं सिल्क रोड कहाँ से कहाँ तक है। सिल्क रोड स्टार्ट होता है चाइना से और ये मेडिटेरियन सी तक जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिल्क रोड इस सिल्क रोड कहें या सिल्क रूट कहें, वही बात है, एक ही जगह का नाम है सिल्क रूट या सिल्क रोड। प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया जाता था व्यापारिक काम के लिए, व्यापार करने के लिए। और ये चीन को, चीन के शियान से स्टार्ट होकर के मेडिटेरियन सी तक जाता था। और ये 6400 किलोमीटर लंबा मार्ग जिसके प्रयोग किया जाता था बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ियों के लिए, जो कि मुख्य तौर पर व्यापारिक पर्पज के लिए इसका यूज होता था। और यहाँ से महंगी महंगी चीज़ें जैसे कि सिल्क है, ऊन है, चांदी है, इस तरह की चीज़ों का व्यापार यहाँ से किया जाता था। ये चीन को जोड़ता था पश्चिमी देशों से। प्राचीन समय में इसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, अब सिल्क रोड कह सकते हैं। और इसी के ऊपर इस चैप्टर की स्टोरी लिखी गई है। नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर। The author was on his way from Lhasa to Mount Kailash। लेखक अपने मार्ग पर था, रास्ते में था, लहासा से उसने शुरू किया था और माउंट कैलाश को जा रहा था। He wanted to have an experience of the Kailash Kora। वह एक अनुभव प्राप्त करना चाहता था कैलाश कोरा का, मीन्स जो धार्मिक परिक्रमा थी उसका, माउंट जो कैलाश है उसके चारों तरफ धार्मिक पर्पज से जो उसे यात्रा करनी थी उसका अनुभव प्राप्त करना चाहता था। ए रिलीजियस पिलग्रिमेज, जो कि एक धार्मिक यात्रा थी। ही हैड विद हिम हिज गाइड डेनियल एंड ए टैक्सी ड्राइवर शैतान। उसके साथ थे उसका गाइड, उसका मार्गदर्शक डेनियल और एक टैक्सी चलाने वाला शैतान। दे कैंप्ड एट ए स्मॉल तिब्बतन विलेज नेम्ड Rao। उन्होंने शरण ली, उन्होंने वो रुके, ठहरे, कैंप किया एक छोटे से तिब्बती गांव में जिसका नाम Rao था। द वुमेन एट हुज प्लेस दे स्टेड वाज नेम्ड Lhamo। औरत जिसके यहाँ पर वो रुके थे उस औरत का नाम था Lhamo। शी वॉज ए वेरी नाइस वुमेन, बहुत अच्छी औरत थी। शी गेव द ऑथर ए लॉन्ग स्लीव शिपस्किन कोट एज ए पार्टिंग गिफ्ट। उसने Lhamo ने लेखक को एक पूरी बाजू का भेड़ की स्किन से बना हुआ कोट दिया, जो कि उसका विदा होते टाइम का उपहार था। When he wore it, he looked a perfect
तिब्बतन नौमद। नौमद क्या है? खानाबदोश, जो इधर उधर घूमने वाली जातियां होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। जब लेखक ने उसको पहना तो बिल्कुल पूरी तरह से एक तिब्बती खानाबदोश लग रहा था। इट वॉज ए लवली मॉर्निंग वेन दे स्टार्टेड फ्रॉम राउ। यह एक बहुत ही प्यारी सी सुबह का समय था जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की राउ से, वो कैलाश पर्वत की तरफ चले। द स्काई वॉज परफेक्टली ब्लू, आसमान पूरी तरह नीला था। ए चार्मिंग हाफ मून वॉज फ्लोटिंग इन द स्काई, एक आकर्षित करने वाला हाफ मून जो कि आसमान में तैर रहा था। शैतान टुक ए शॉर्टर रूट, शैतान ने एक छोटे मार्ग को अपनाया। बट इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल हाई माउंटेन पासेस, परंतु इसमें शामिल थे कि उन्हें इस मार्ग से पार करने थे पर्वतीय दर्रों को, काफ़ी दर्रे आने वाले थे, ऊंचे ऊंचे दर्रे यहाँ पर आने वाले थे। ही होप्ड दैट देयर वुड बी नो स्नो एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, उसे उम्मीद थी कि रास्ते में मार्ग में इन दर्रों में उन्हें कोई बर्फ नहीं मिलेगी साल के इस समय। बट ही सेड नॉट नोविंग सर अंटिल वी गेट देयर, परंतु उसने कहा कि नहीं जान सकते श्रीमान जी जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँच जाते। द शॉर्टकट टुक देम अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, जो शॉर्टकट जो छोटा मार्ग उन्होंने अपनाया था वो उन्हें लेकर के गया खुले प्लेन्स में, मैदानों में वो पहुँच गई। हेयर एंड देयर दे सा स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एंटीलॉप्स, इधर उधर उन्होंने छोटे छोटे समूह जो कि मृगों के थे, छोटे छोटे समूह मृगों के देखे, मीन्स झुंड थे मृगों के रास्ते में। फर्दर ऑन दे सा हार्ट्स ऑफ वाइल्ड एसेस, और इसके बाद आगे उन्होंने रास्ते में जो जो चीजें मिलती जा रही वो बता रहे हैं। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि समूह थे, झुंड थे जंगली गधों के। That produced clouds of dust, जो कि धूल के बादल उड़ा रहे थे। As they ran one after the other in circles, जब वो एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, कौन जो जंगली गधे थे वाइल्ड एसिस थे, वो एक दूसरे के पीछे घूम रहे थे सर्कल सर्कल, जिसे धूल के बादल उड़ रहे थे। Then hills began to push up from the rocky plains, फिर जो पथरीले प्लेन थे मैदान थे वहाँ से अब हिल्स दिखने लगी थी, पहाड़ियाँ आने लगी थी पथरीले मैदानों को पार करते हुए। हेयर दे सा नोमड्स टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, यहाँ पर उन्होंने खानाबदोश जातियों को देखा जो कि अपने पशुओं की देखभाल कर रहे थे, झुंडों की देखभाल कर रहे थे। मैन एंड वीमेन वुड समटाइम्स स्टॉप एंड गेज ऑन देयर कार, पुरुष और औरतें कई बार रुक जाते और जब उनकी कार वहाँ से जाती उसको घूर करके देखती। सम ऑफ देम वुड वेव एज दे पास्ट, कई तो उनको हाथ हिला करके बाय करते जो वो पास से गुजरते। व्हेन द ट्रैक टुक देम क्लोज टू देयर एनिमल्स, और जब रास्ता उनको लेकर के जाता उनके एनिमल्स के पास। द शिप वुड मूव अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, जो भेड़ होती थी वो साइड हो जाती जब कार पास पहुँचती तो जो तेज गति से आ रहा व्हीकल है उससे दूर हट जाती। देयर ह्यूज मास्टिफ डॉग्स वुड कम रनिंग लाइक ए बुलेट, उनके बड़े बड़े मास्टिफ, मास्टिफ यहाँ पर ब्रीड है डॉग की जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं, तो उनके बड़े बड़े जो मास्टिफ डॉग थे वो भी दौड़ते हुए एक गोली की तरह आते भोंकते हुए आक्रामक तरीके से। समटाइम्स दे केम स्ट्रेट इन टू देयर पाथ, कई बार वो सीधे उनके रास्ते में आ जाते। सैटन हैड then to apply the brakes and turn to the other side, तब जब वो डॉग से एकदम रास्ते में आ जाते तो शैतान जो कि ड्राइवर है उसको ब्रेक लगाने पड़ते या कार को एकदम मोड़ना पड़ता। they would keep chasing the car for about 100 meters, और वो डॉग कई बार तो लगभग सैकड़ों मीटर तक कार का पीछा करते भूखते हुए। until the car was out of their property, जब तक कार उनकी संपत्ति से बाहर नहीं चली जाती वो कार के पीछे पीछे दौड़ लगाते। स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैड स्टार्टेड अपीयरिंग इन द डिस्टेंस, अब बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे वो आना शुरू हो गए थे, रास्ते में दिखाई दे रहे थे, कुछ दूरी पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आने लगे थे। दे एंटर्ड ए वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लोग्ड विद आइस, अब वो एक ऐसी घाटी में पहुंच गए थे जहां पर जो रिवर थी नदी थी वो चौड़ी थी और लगभग बर्फ से कवर थी।
द टर्न्स बिकेम शार्पर, अब जो टर्न थे मोड़ थे एकदम तीखे हो गए थे, खड़े मोड़ आने लगे थे। एंड द राइड बम्पियर, और जो राइड थी अब जो सवारी थी वो बम्पियर उछल उछल करके गाड़ी चल रही थी। अब जो रोड था वो प्लेन नहीं था, स्मूथ नहीं था, अब पथरीला उबड़ खाबड़ रास्ता था, इसलिए गाड़ी वो बम्प करते हुए चल रही थी। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, अब जो रास्ता था वो आइसी रिवर से हट गया था। स्नो वॉज हैंगिंग डाउन द रोड, और जो पहाड़ियाँ थी उनसे बर्फ लटक रही थी नीचे। दैट वर ऑलमोस्ट अवे सॉरी ऑलवेज इन द शेड, और वो लगभग ज़्यादातर शेड में थे, छाया में थे। द ऑथर फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर्स, लेखक को लगा कि उसके कानों पर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव बन रहा है। आफ्टर गोइंग राउंड ए बेंड, एक बेंड एक मोड़ के चारों तरफ घूमने के बाद शैतान स्टॉप द कार एंड जम्प्ड आउट, शैतान ने कार को रोक दिया और उछल करके बाहर आ गया। देयर वाज स्नो ऑन द ट्रैक, क्योंकि जो ट्रैक था जो मार्ग था उसके ऊपर क्या थी, स्नो थी। इट स्ट्रेच्ड फॉर 15 मीटर्स, और ये जो स्नो थी वो कितने 15 मीटर की दूरी तक फैली हुई थी। शैतान स्टेप्ड ऑन टू इट, शैतान ने इसके ऊपर पैर पटक पटक करके देखा, चल करके देखा। एंड वेंट स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू एसर्सन हाउ स्टडी इट वॉज, और समय समय पर पैर ठोक करके देखा, पटक करके देखा, ताकि पता लगाया जा सके कि कितनी मजबूत थी बर्फ, कितनी मजबूत थी, कहीं गाड़ी के जाने से धंस न जाए, ऐसा वो जांच कर रहा था। द ऑथर लुक्ड एट हिज वॉच, लेखक ने अपनी घड़ी के ऊपर देखा। दे वर एट द ए हाइट ऑफ 5,210 meters अबोव सी लेवल्स, अब वो सी लेवल से समुद्र तल से 5,210 meters की ऊंचाई पर थे। सैतन गैदर्ड हैंडफुल्स ऑफ डर्ट एंड थ्रू देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, अब सैतन ने मुट्ठी भर जो वहाँ पर डर्ट थी, धूल थी, उसको इकट्ठा किया और उसको जो जमी हुई सरफेस थी उसके पार फेंका। द ऑथर एंड डेनियल ऑल्सो गेव हिम ए हेल्पिंग हैंड, और इस काम में ऑथर और डेनियल ने भी उनकी मदद की। दस सैतन वॉज एबल टू टेक द कार स्लोली टू द अदर साइड ऑफ द आइसी स्ट्रेच, अब जो बर्फ फैली हुई थी उसके ऊपर दूसरी साइड कार धीरे धीरे इस प्रकार से सैतन लेकर के गया, वह सफल हुआ कार को ले जाने में। 10 minutes लेटर देर वॉज अनोदर आइसी स्ट्रेच, और 10 मिनट बाद फिर ऐसे ही फैली हुई बर्फ उनके सामने थी। बट दिस टाइम सैतन अवॉइडेड द आइसी पाथ, परंतु इस बार सैतन ने बर्फीले मार्ग को छोड़ दिया, वह उस मार्ग पर नहीं चला। एंड मेड हिज वे थ्रू द रॉक्स, और उसने पहाड़ियों के बीच में से अपना रास्ता लिया। दैट वर अलोंग द साइड ऑफ द आइसी स्ट्रेच, जो कि ये फैली हुई बर्फ के साथ साथ बना हुआ था। दे हैड रीच्ड ए हाइट ऑफ मोर देन 5,400 meters, अब वो 5,400 meters से भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। द ऑथर्स हेड बिगेन टू थ्रोब होरिबली, अब लेखक का सर भयानक रूप से चकराने लगा था। ही टुक गल्प्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बोटल, उसने बोटल से पानी की घूंट भरी, विच इज सपोज टू हेल्प ए रैपिड एसेंट, जिसमें माना जाता है कि ऊंची चढ़ाई चढ़ने में मदद मिलती है। फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ द पास, आखिरकार वो पहुंच गए थे दर्रे के शिखर पर। इट वॉज एट ए हाइट ऑफ 55,015 meters, 5,515 meters की ऊंचाई पर था ये। इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज पाइल ऑफ स्टोन्स विद रेड प्रेयर फ्लैग्स एंड वाइट सिल्क स्कार्स, और ये इसको चिन्हित किया गया था, यहाँ पर एक ढेर लगा हुआ था बड़े बड़े पत्थरों का, और रैग में इसके फटे पुराने जो प्रेयर के फ्लैग थे, झंडे थे प्रार्थना में चढ़ाए हुए, उनका, वाइट सिल्क स्कार्स का। दे टुक ए टर्न राउंड इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहाँ से उन्होंने घड़ी की दिशा में एक टर्न लिया, मोड़ लिया, घूमे, एज इज द ट्रेडिशन, जैसे कि एक परंपरा थी। शैतन चेक द टायर्स एंड द फ्यूल इन द पेट्रोल टैंक, अब शैतन ने गाड़ी के टायर चेक किए और पेट्रोल चेक किया, ईंधन चेक किया पेट्रोल टैंक में। द ऑथर्स हैड सून क्लियर
वेन दे रीच द अदर साइड ऑफ द पास। अब लेखक का सिर आराम में था, वह चकरा नहीं रहा था, वह अच्छा महसूस कर रहा था जब वो दर्रे के दूसरी साइड पहुंचे। इट वॉज 2 o'clock बाय दैट टाइम दे स्टॉप फॉर लंच। और अब 2 बज गए थे और इस समय वो लंच के लिए रुक गए। एंड बाय लेट आफ्टरनून दे हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। और देर दोपहर तक वो पहुंच गए थे छोटे से कस्बे में जो कि होर नाम की जगह थी। देवर नाउ बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे। अब वो वापस पहुंच गए थे जो मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे था, दक्षिण पश्चिमी हाईवे था, सॉरी पश्चिमी पूर्वी हाईवे था, उसके ऊपर। इट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर। और ये मार्ग मिलता था कहाँ पर, जो पुराना व्यापारिक मार्ग था लासा से कश्मीर की, द सिल्क रूट, जो कि सिल्क रूट था, सिल्क रोड था। हेयर डेनियल फाउंड ए राइड इन ए ट्रक टू गो बैक टू लासा। यहाँ से डेनियल ने एक ट्रक में शरण ले ली, उसे जगह मिल गई, उसे सवारी मिल गई थी वापस लासा जाने के लिए। डैनियल यहाँ पर छोड़ करके चला गया है लेखक को। वाइल शैतान वॉज हैविंग हिज टायर पंक्चर्स फिक्स्ड द ऑथर वेंट टू हैव ए व्यू ऑफ द टाउन। अब शैतान को जो टायर पंक्चर हो गए थे उनको ठीक कराना था और लेखक चला जाता है कहाँ पर, शहर को देखने के लिए, कस्बे को देखने के लिए, कस्बे का नज़ारा लेने के लिए। द टाउन ऑफ होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। और जो होर टाउन है, कस्बा है, वो स्थित है जो किनारा है मानसरोवर झील का, उसके ऊपर। बट द राइटर वॉज सॉरली डिसअपॉइंटेड। परंतु लेखक बुरी तरह से उदास हो गया था। हिज एक्सपीरियंस ऑफ होर वॉज इन शार्प कंट्रास्ट टू वट ही हैड हर्ड अबाउट इट। उसका जो अनुभव रहा होर का वो बिल्कुल अपोजिट था, कंट्रास्ट में था जो उसने सुना था मानसरोवर के बारे में, होर के बारे में, उसके बिल्कुल एकदम अगेंस्ट था। इट वॉज ए डर्टी माइजरेबल प्लेस। ये गंदा, बहुत ही पुअर कंडीशन में जगह थी। देर वॉज नो वेजिटेशन एट ऑल। यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, पौधे नहीं थे, वनस्पति नहीं थी, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। केवल डस्ट थी, डर्ट थी, चट्टाने थी, धूल थी। देर वर हीप्स ऑफ रिफ्यूज ऑल अराउंड। हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे। लेक मानसरोवर इज तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर। जो मानसरोवर झील है वो तिब्बत की सबसे ज्यादा पूजनीय पानी की जगह थी, पानी का स्रोत था, जल स्रोत था। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट शास्त्रस डिस्क्राइब मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। जो प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट शास्त्र हैं उनमें वर्णन किया गया है कि मानसरोवर है वो 4 बहुत बड़ी भारतीय नदियों का स्रोत है, कि 4 बड़ी भारतीय नदियां मानसरोवर झील से ही निकलती हैं। और तिब्बत में भी ये बहुत बड़ी पूजनीय स्थल था, पूजनीय पानी का स्रोत था। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? द इंडस, द गंगाज, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। भारत की जो सिंधु नदी है, गंगा है, सतलुज है और ब्रह्मपुत्र है, इन सभी का स्रोत पुराने शास्त्रों के अनुसार माना जाता है मानसरोवर झील। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक। वास्तव में केवल जो सतलुज नदी है वो इस झील से निकलती है। द अदर रिवर्स राइज नियर बाई ऑन द साइड्स ऑफ माउंट कैलाश। और जो दूसरी नदियाँ हैं वो इसके नज़दीक ही माउंट कैलाश की साइड से बराबर से निकलती हैं। इट टुक शैतान क्वाइट सम टाइम टू हैव द पंक्चर्स फिक्स्ड। और शैतान को कुछ समय लगा पंचर लगवाने में, ठीक करवाने में जो पंचर हो गए थे वो। इट वॉज डार्क बाय द टाइम दे लेफ्ट होर। और जब वो होर से चले, होर से बाहर निकले, तो अंधेरा हो गया था। एंड इट वॉज पास 10:30 वेन दे रीच्ड ए गेस्ट हाउस इन डार्चन। और अब 10:30 बज चुके थे जब वो पहुंचे थे एक गेस्ट हाउस में, डार्चन में। इट टर्न आउट टू बी ए हॉरिबल नाइट फॉर द ऑथर। और ऑथर के लिए एक बहुत ही भयानक डरावनी रात्रि साबित हुई थी। ही वॉज टायर्ड एंड हंगरी। वह थका हुआ था, भूखा था। ही हैड कोट कोल्ड एंड वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। उसे
हाँ, जुखाम हो गया था उसे, ठंड लग गई थी और बड़ी मुसीबत हो रही थी उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था लेखक। ही कुड नॉट स्लीप ए मोमेंट द होल नाइट, पूरी रात्रि वह एक क्षण भी नहीं सो पाया था। व्हेनेवर ही वुड लाई डाउन एंड ट्राई टू स्लीप, जब भी वह लेटता सोने की कोशिश करता, ही हैड टू गेट अप अगेन इमिडिएटली, उसे उसी टाइम फटाफट उठना पड़ता। बिकॉज ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू ब्रीद इन दैट पोजिशन, क्योंकि उसे लेटे हुए रहने में सांस लेने में बड़ी मुसीबत हो रही थी। ही स्टेड अवेक ऑल नाइट, वह पूरी रात जगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सैतन टुक हिम टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज, अगली सुबह सैतन उसको लेकर के गया डार्चन का जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर। द तिब्बतन डॉक्टर देयर गेव द ऑथर सम मेडिसिन, जो तिब्बती डॉक्टर था वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, उसने लेखक को कुछ दवाइयाँ दी। एंड ही स्लेप्ट वेरी साउंडली द नेक्स्ट नाइट, और अगली रात वह आराम से सो पाया, बड़े अच्छे से सो गया। मैन सैतन सा दैट द ऑथर हैड ए सीरियस प्रॉब्लम, जब सैतन ने देखा कि लेखक को ज़्यादा ही समस्या है, ही लेफ्ट द ऑथर देयर एंड रिटर्न टू लहासा, उसने लेखक को वहीं पर छोड़ दिया और वो वापस लहासा चला गया। डार्चन वॉज ऑलमोस्ट एज डर्टी एज होर, डार्चन भी लगभग उतनी ही गंदी जगह थी जितना कि होर था। बट इट गेव ए गुड व्यू ऑफ हिमालयस, परंतु यहाँ से हिमालय का अच्छा दृश्य नजर आता था। द टाउन हैड ए कपल ऑफ स्मॉल जनरल स्टोर्स सेलिंग चाइनीज सिगरेट्स, और इस कस्बे में कुछ दुकानें थी, छोटे छोटे जनरल स्टोर थे जो कि चाइनीज सिगरेट बेच रहे थे, साबुन थे चाइनीज एंड अदर बेसिक प्रोविजंस, और दूसरी ज़रूरत की जो चीज़ें थी, प्रोविजन का जो सामान था, वो छोटी मोटी चीज़ें इन दुकानों पर थे। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन आफ्टरनून फॉर ए गेम ऑफ पूल, और उन दुकानों में से एक के सामने पुरुष एकत्रित हो गए थे दोपहर में जुआ खेलने के लिए। नियर बाय वीमेन वॉश देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ नैरो ब्रूक, और नज़दीक ही औरतें अपने बालों को धो रही थी जो बिल्कुल बर्फ का ठंडा पानी था एक पतले से झरने का। वहाँ से डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरीड, बट डार्चन में अब रिलैक्स महसूस हो रहा था और उसे कोई जल्दी नहीं थी लेखक को, फॉर द ऑथर, ऑथर के लिए वहाँ पर आराम लग रहा था, उसे कोई जल्दी नहीं थी। इट वॉज ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखा जा सकता था। देर वर नो पिलग्रिम्स, वहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री नहीं थे। द ऑथर हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर्स, लेखक को बताया गया कि जब जो चरम समय होता है पिलग्रिमेज सीजन का, धार्मिक यात्रियों के आने का सीजन होता है, तो उस टाइम शहर में बहुत अधिक भीड़ होती है, भीड़ भाड़ होती है, बसलिंग होती है, विजिटर्स की चहल पहल होती है। मैनी ब्रोट देयर ऑन टेंट्स, बहुत सारे तीर्थयात्री तो अपना ही टेंट लेकर के आते हैं। द ऑथर हैड टाइम्ड हिज अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीजन, और ऑथर के पास समय था कि वह ऐसे समय पहुंचा था कि अभी जो सीजन शुरू होने वाला था तीर्थयात्रियों का, उसमें समय था। बट इट सीम्ड ही वॉज टू अर्ली, परंतु उसे लग रहा था कि वह कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, और जो पिलग्रिमेज मार्ग थे वो बड़े अच्छे से उनके ऊपर चला गया था, वो वेल ट्रोडन थे। बट द ऑथर डे टू डू इट अलोन, परंतु लेखक के अंदर साहस नहीं हो रहा था कि वह अकेला इस मार्ग पर जाए। द कोरा वॉज सीजनल, जो कोरा था, जो परिक्रमा का समय था, वो सीजनल था, सीजन के अकॉर्डिंग ही होता था। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू बी ब्लॉक बाय स्नो, क्योंकि जो रास्ता था उसके कुछ पार्ट्स थे उन पे ऐसा विश्वास किया जाता था कि वो बर्फ़ से ब्लॉक कर दिए जाते थे। द ऑथर हैड नो आइडिया वेदर और नोट द स्नो हैड क्लियर, अब लेखक को कुछ नहीं पता था कि जो स्नो जो मार्ग में आती है उसको साफ किया गया है कि नहीं किया गया है। एंड देर वॉज नो वन टू टेल हिम अबाउट इट, और कोई भी ऐसा नहीं था जो लेखक को ये बता पाता। सिंस सैतन हैड लेफ्ट द ऑथर हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन इन द टार्चन, और जब से सैतन गया था तो लेखक किसी से भी नहीं मिला था, किसी से उसकी जान पहचान नहीं थी टार्चन में। विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, कि जिसको इतनी इंग्लिश आती होगी, कोई
जो बेसिक क्वेश्चन थे उसके भी आंसर दे पाए। ऐसे किसी भी इंसान से लेखक की मुलाकात नहीं हुई थी। वन आफ्टरनून द ऑथर सेट ड्रिंकिंग टी इन डार्चन्स ओनली कैफे। एक दोपहर लेखक बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, जो कि डार्चन का एक अकेला कैफे था उसमें। ही हैड ब्रॉट ए नॉवल विद हिम टू हेल्प पास द टाइम। लेखक अपने साथ एक नॉवल लाया था समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए। ए मैन नोरबू केम इन एंड आस्क्ड द ऑथर विद ए गेस्चर इफ ही कुड सिट अपोजिट हिम एट द टेबल। एक व्यक्ति जिसका नाम नोरबू था वो आया और उसने लेखक से ऐसे हाव भाव किए कि क्या वह लेखक के सामने अपोजिट टेबल के ऊपर बैठ सकता था। आफ्टर ही हैड ऑर्डर, और उसके बाद उसने ऑर्डर टी चाय का ऑर्डर करने के बाद ही आस्क्ड द ऑथर, उसने लेखक से पूछा, यू इंग्लिश, तुम अंग्रेज। दस ए कन्वर्सेशन स्टार्टेड बिटवीन द टू। इस प्रकार से नोरबू और लेखक के बीच में बातचीत शुरू हो गई। द मैन वॉज ए तिब्बतन, और ये जो नोरबू था ये तिब्बती था। बट ही वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, परंतु वह बीजिंग में काम करता था जो कि चाइना में एक चाइनीज अकेडमी थी सोशल साइंस की उनमें। नोरबो सेड दैट फॉर मैनी ईयर्स, नोरबो ने बताया कि कई सालों से ही हैड बीन राइटिंग अकेडमिक पेपर्स, वह शैक्षणिक पेपर लिख रहा था अबाउट द कैलाश कोरा, जो कैलाश कोरा है, जो धार्मिक परिक्रमा है कैलाश की, उसके बारे में। एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, और इसका महत्व जो कि विभिन्न प्रकार के काम हैं बुद्धिस्ट साहित्य में, इनके बारे में उसने लिखा है। बट ही सेड दैट ही हैड नेवर डन इट हिमसेल्फ, परंतु उसने कहा कि ऐसा उसने कभी अपने आप नहीं किया। नोरबो वॉज स्टेइंग एट द सेम गेस्ट हाउस वेयर द ऑथर वॉज स्टेइंग, नोरबो भी उसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था जहाँ पर लेखक रुका था। द टू डिसाइडेड टू डू द कोरा टुगेदर, अब दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों जो कोरा है, जो परिक्रमा है माउंट कैलाश की, वो एक साथ करेंगे। बट नोरबू कैप सेइंग वेरी हाई अप, सो टायरसम टू वॉक, परंतु नोरबू कहता रहा बहुत ऊंचाई पर है, बहुत थका देने वाला है चलना। इट केम एज ए बिग रिलीफ टू द ऑथर दैट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, परंतु एक बड़ा रिलीफ मिला लेखक के लिए कि उसे अब कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा अपने आप को प्रोस्ट्रेट करने के लिए, बचाने के लिए। जब माउंट कैलाश के चारों तरफ जाएंगे तो अकेले को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नॉट पॉसिबल ही सेड इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, असंभव नहीं है, उसने हास्यात्मक रूप से कहा, मजाक उड़ाते हुए खिसियाते हुए कहा। हिज टमी वॉज टू बिग फॉर दैट, और उसने कहा कि उसका जो टमी है, पेट है, वो इसके लिए बहुत बड़ा है। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द समरी ऑफ चैप्टर सिल्क रोड, आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू।